हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर देख सकते हैं एक्सेस मैंने ओपन कर रखा है। यहां पर आपको मिल जाता है ब्लैंक डेटाबेस। यहां से आपको ब्लैंक क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो क्रिएट पर क्लिक करने के साथ ही एक नई विंडो ओपन होती है। हम डिजाइन पे जाएंगे और ये व्यू जो दिख रहा है यहां से डिजाइन व्यू ले लेंगे और यहां पर टेबल वन आ रहा है तो यहां पर हम कर सकते हैं प्रोडक्ट टी, यानी हम प्रोडक्ट का टेबल बना रहे हैं तो यहां लिख देता हूं प्रोडक्ट टी। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने प्रोडक्ट और यहां टी कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर आईडी आ रही है। तो ये सपोज कीजिए कि प्रोडक्ट की आईडी या कोई भी आईडी हो सकती है। ठीक है, और यहां पे कर देता हूं मैं प्रोडक्ट का नेम, तो ये लिख दिया हमने प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और हम लोग टेबल में ही कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखिए ये हो गया प्रोडक्ट नेम, और मान लीजिए कि यहां पर आते हैं तो यहां पे प्राइस करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। ठीक है, और यहां पर करेंगे करेंसी डेटा टाइप, केवल सी प्रेस करना है, इसको हटा देना शॉर्ट टेक्स्ट और सी प्रेस करना है, यहां करेंसी आ जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहां से ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हैं। यहां पर आने के बाद यहां पर यूनिट कर देता हूं, यूएनआईटी यूनिट। ठीक है, ये यूनिट कर दिया हमने, तो यूनिट को हम रखेंगे यहां पे नंबर डेटा टाइप और यहां से इसे बना लेंगे डबल ताकि हम डेसिमल वैल्यूज भी एंटर कर पाए। ठीक है, तो ये डबल बना लिया हमने और फिर यहां पर टोटल करेंगे हम, यानी कि इसका टोटल हम करके देंगे। ठीक है, तो ये टोटल हो गया और यहां पे करेंगे करेंसी डेटा टाइप, तो ये करेंसी डेटा टाइप हो गया। और इतना होने के बाद हमें क्या करना है, देखिए ये करेंसी हमने कर लिया है लेकिन हम चाहे तो टोटल यहीं पे कर सकते हैं। ये बहुत ही सुविधाजनक है और ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है एक्सेस में, और टेबल में ही आप कैलकुलेट करना चाहिए क्या ना। अब यहां पर मान लीजिए प्रोडक्ट नेम आ सकता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट नेम है तो यहां पर प्रोडक्ट का नेम दे देता हूं, लाइक यहां पर देता हूं कीबोर्ड। ठीक है, और यहां पर आप ये इस तरीके से यहां पर जाकर के यहां पे कीबोर्ड की प्राइस डाल सकते हैं। तो ये 200 रुपए प्राइस डाल दिया हमने, यूनिट डाल दिया 7, यहां पे टोटल नहीं आ रहा है। टोटल लाने के लिए हमें क्वेरी बनानी पड़ेगी, हम चाहते तो वहीं पर बना सकते थे। कैसे बना सकते थे वो भी दिखाता हूं। देखिए जैसे यहां पर हम आएंगे, ये देखिए ये डिजाइन व्यू पे आ गए। अब देखिए ये जो टोटल हमने लिया करेंसी डेटा टाइप, इसको हटा देता हूं, अभी कट करता हूं, यहां से कट कर देता हूं, हटा देता हूं। अब देखिए यहां पर टोटल करता हूं, फिर से ये टोटल लिखा और टोटल लिखने के बाद यहीं पर आपको मिल जाता है कैलकुलेटेड। ये कैलकुलेटेड आपको 2016 में मिलेगा, 2019 में मिलेगा, 2021 में मिलेगा, लेकिन इसके पीछे के वर्जन्स में 2010 से शायद स्टार्ट हुआ है, तो ये 2016 से मैं इसे देख रहा हूं। तो 2016 से अगर आप यूज कर रहे हैं या 2016 वर्जन आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये कैलकुलेटेड मिल जाएगा और यहां पर क्लिक करके आप आसानी से यहीं पर कैलकुलेट कर पाएंगे। ये देखिए ये बॉक्स ओपन हो गया है और यहां पर प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली काम हो जाएगा। प्राइस इनटू यूनिट कर देते हैं, तो ये प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहां से ओके प्रेस कर देना है सिंपली, और यहां से व्यू पे क्लिक करना है। और जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां टोटल भी दिखाई पड़ेगा, देखिए टोटल भी कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो ये बहुत आसान है लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहां पर कर देता हूं माउस, तो ये माउस का जो कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है इसकी पहले प्राइस दे देता हूं 120 रुपए, और कितना माउस अवेलेबल है 55 माउस अवेलेबल है और उसकी टोटल आ गई अपने आप कैलकुलेट होकर, क्या आपको कुछ कहना नहीं पड़ा, अपने आप ये कैलकुलेट होता जाएगा। ठीक है, यहां पे कर देता हूं मॉनिटर। ठीक है, तो ये मॉनिटर जैसे ही करेंगे यहां पर आएंगे तो ये मॉनिटर की कीमत है, तो यहां 7000 रुपए मान लीजिए मॉनिटर कीमत है और ऐसे ऐसे 5 मॉनिटर्स अवेलेबल है तो 35000 आ गया। इसी तरह से यहां पर जब आते हैं तो यहां पर हेडफोन करते हैं, हेडफोन इस तरीके से हेडफोन लिख दिया हमने। यहां पर आएंगे हेडफोन की कीमत आएगी, तो हेडफोन की कीमत है 800 रुपए, एक की कीमत है और ऐसे ऐसे 6 हेडफोन मौजूद है तो 4800 कीमत आ गई अपने आप। तो यहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार फॉर्मूला लगा दिया तो ये चलता होता चला जाएगा। अब यही चीज क्वेरी में जाकर के बनानी होती तो कैसे करते हम। ठीक है, तो क्वेरी में जाकर बनानी होती तो वो भी बता देता हूं। यहां से चलते हैं क्रिएट पर, एक न्यू टेबल बना लेते हैं क्योंकि बार बार इसमें चेंजिंग करना ठीक नहीं है। तो यहां पे कर देता हूं न्यू के नाम से ही इसे सेव करता हूं, तो ये न्यू कर दिया हमने, तो ये आईडी हो जाएगी और यहां पर प्रोडक्ट का नेम जैसा कि वहां पे दिया था हमने। ठीक है, तो ये दे दिया हमने प्रोडक्ट नेम, अंडरस्कोर करके नेम दे दिया और यहां पे प्रोडक्ट का नाम आएगा। अब यहां पे क्या करता हूं, प्रोडक्ट का नेम तो हो गया, अब यहां पे आएगी प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की प्राइस हो जाएगी और यहां पे करेंसी डेटा टाइप यूज होगा। ठीक है, और ये करेंसी हो गया। अब यहां पे करेंगे यूनिट, तो ये यूनिट हो जाएगा। यूनिट करने के बाद क्या करेंगे, यहां पे नंबर डेटा टाइप रखेंगे और यहां से क्या कर देंगे, हम इसे डबल बना देंगे ताकि हम डेसिमल वैल्यूज भी एंटर कर सकें। ठीक है, तो ये डबल बना दिया हमने और यहां पर अब टोटल करेंगे, तो टोटल करेंगे तो अभी यहां पर काम नहीं करना तो कहां से काम करना है,
हमें जाना पड़ेगा क्वेरी डिजाइन में। यहां पर इसे आप करेंसी रख सकते हैं, ये यहां पे करेंसी कर लीजिए, यहां से चूज कर सकते हैं, ये करेंसी हो गया। अब यहां पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगी ये न्यू विंडो। अब ये विंडो ऐसी आई हुई है, इसके लिए हमको क्वेरी डिजाइन करना पड़ेगा। तो यहां क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, जैसे क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे तो न्यू नाम की जो टेबल है इसी के लिए हमें क्वेरी डिजाइन करना है। तो ये इस पे चले जाएंगे और ये सारी फील्ड्स को अगर चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं। यहां पर हमें प्रोडक्ट चाहिए, प्राइस चाहिए, यूनिट चाहिए और टोटल चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए। तो यही हम कर लेते हैं और यहां पर टोटल हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए आप प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट से। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, प्राइस इनटू यूनिट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से आप लिख दीजिए और बस काम हो जाएगा आपका। यहां पर रन पे क्लिक कर दीजिए तो बस अब यहां पर प्रोडक्ट का नाम डालते जाइए और ये आता चला जाएगा। लाइक यहां पे डाल देता हूं कीबोर्ड, यहां पे 5 कीबोर्ड, ठीक है। तो यहां पे प्राइस है 200 रुपए, ये देखिए 2004 हो गया है, ये 200 रुपए प्राइस है। तो 200 रुपए के हिसाब से यहां टोटल आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां करता हूं माउस, MOUSE माउस, ठीक है। तो माउस की कीमत कितनी है, तो ये मान लीजिए माउस की कीमत है 230 रुपए, यहां पे 230 कर देता हूं, 230 रुपए। तो ये देखिए यहां पर 230 रुपए और 6 माउस है। तो यहां पे ये टोटल होता चला जा रहा है।